हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एहसन और मैं एक बार फिर से दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों, अगर आप लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी सर्च करना है, आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल अलंकार प्रॉपर्टी को, ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है आपको देखने को मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत खास है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देखिएगा, ताकि आपको इस प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मिल सके। दोस्तों, आज हम आए हैं फरीदी नगर। ये देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, कैलाशपुरी फरीदी नगर में। दोस्तों, लखनऊ में आज हम आपको ये मकान विजिट करवाने आए हैं। दोस्तों, इस मकान की अगर हम साइज़ की बात करें दोस्तों, तो 1800 स्क्वायर फीट जो है इसका साइज़ है। फ्रंट जो आपको मिल रहा है इसका, तो फ्रंट मिल रहा है आपको दोस्तों इसका 40 और इसकी डेप्थ मिल रही है आपको दोस्तों इसकी 45। ये है पूरा इसका फ्रंट, आप देख लीजिए दोस्तों। एक हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो ये बहुत कोठी, इसको आप विला भी दोस्तों कह सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों, इसके अंदर आपको मिलेंगे 4 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 2 हॉल और 3 वॉशरूम दोस्तों आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और 1 मिलेगा आपको स्टोर रूम। फ्रंट रोड की हम बात करें तो रोड देख लीजिए दोस्तों, 20 फीट की जो है आपको यहाँ पर रोड मिली जा रही है। और इसके अगल बगल में जो घर बने हैं सारे आप देख लीजिए दोस्तों, सब स्टैंडर्ड लोग, पढ़े लिखे VIP लोग यहाँ पर रहते हैं, घर बने हुए हैं। ये कॉर्नर पर घर बना हुआ है, इसको देख लीजिए। और ये वाली रोड जो है, याली रोड दिखा दीजिए, ये भी रोड दोस्तों आपको 20 फीट की मिल रही है। ये रोड पे आप सीधे चले जाएंगे तो आप यहाँ से निकलेंगे दोस्तों चांदन। हम थोड़ी एड्रेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, लोकेशन की, अगर आप यहाँ आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो दोस्तों खुर्रम नगर चौराहा है, वहाँ से आपको मान के चलिए मात्र सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों फरीदी नगर में ये मकान जो है आपको मिल जाएगा। अब एड्रेस, जैसे कि आ रहे होंगे आप, और जो पिकनिक स्पॉट का गेट पड़ेगा उसके अंदर दोस्तों आपको आना है। उस गेट के जब अंदर आ जाएंगे, थोड़ा सा आप अंदर आएंगे, मान के चलिए 500 मीटर गेट के अंदर आप आएंगे, तो आपको जो है यहाँ पे पड़ेगा कैलाशपुरी, उसके अंदर फरीदी नगर में दोस्तों ये मकान जो है आपको मिल जाएगा। एड्रेस दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आ जाते हैं इस मकान के अंदर। फ्रंट दोस्तों आपने इसका देख ही लिया है, बहुत ही खूबसूरत मकान दोस्तों हम आपको विजिट करवाने वाले हैं। इसका फ्रंट आपको मिल रहा है दोस्तों 40, डेप्थ मिल रही है आपको इसकी 45, 1800 स्क्वायर फीट में दोस्तों डुप्लेक्स हाउस ही आपको मिल रहा है, पूरा ऊपर नीचे बना हुआ है। कवर्ड एरिया है दोस्तों उसका 3000 स्क्वायर फीट। ये पोर्च मिल रहा है, साइज़ आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा साइज़ है पोर्च का, मान के चलिए कम से कम 25 फीट का साइज़ है ये। इसके अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी आप यहाँ पर बहुत ही आराम से खड़ी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पार कर सकते हैं। छत देख लीजिए, पूरी में जो है यहाँ पर LED लाइट लगी हुई है। इस घर में दोस्तों डेंटिंग पेंटिंग का काम जो है अभी चल रहा है। अब ये रीसेल का हाउस है दोस्तों, जब ये आप ये लेंगे, डेंटिंग पेंटिंग काम चला, अभी आप देख सकते हैं पूरे में वॉलपेपर PVC पैनल का जो है इसमें यूज़ किया जा रहा है। एक ये एरिया आपको मिल जाता है, ये एरिया चाहे दोस्तों इसको सेटिंग एरिया बना सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगेगा। और एक आपको एक ये एरिया मिल जाता है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन आप लोग इसको देखते रहिएगा। ये जो विंडो है दोस्तों, ये आपको चेंज करा के दी जाएगी, पूरी डेंटिंग पेंटिंग करा के दी जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए सब टाइल्स लगे हुए हैं, बार बार आपको जो है पेंट कराने की ज़रूरत दोस्तों यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ये एरिया आपको मिल जाता है, यहाँ पे देख लीजिए टोटी लगी है, यहाँ पे अपना वॉशिंग का काम भी दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। बाइक और साइकिल और कार खड़ी करने की दोस्तों यहाँ पे पूरी सुविधा दी हुई है, एक नहीं 2 कारें आप यहाँ पे पार कर सकते हैं। इस तरफ से इस तरफ का लुक दिखाइए, गेट जो है, गेट की चौड़ाई आपको बहुत मिल रही है, काफ़ी बड़ा गेट दोस्तों आपको मिला जा रहा है। पूरे में जो देख लीजिए टाइल्स लगे हुए हैं। अब हम आ जाते हैं इस घर के अंदर। यहाँ पर आपको दोस्तों रेलिंग मिल जाती है ऊपर जाने के लिए। जीने पे आप देख लीजिए दोस्तों, जीने पे आपको जो है ग्रेनाइट मिल रहे हैं वाइट कलर के। हम आ जाते हैं इसके हॉल में। ये है दोस्तों इस मकान का हॉल, जिसका साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा आपको इसका साइज़ दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मकान है ये। यहाँ पे दोस्तों आपको ये डिज़ाइन दी जा रही है, जो कि काफ़ी खूबसूरत आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे चाहे जो है आप अपनी TV भी लगा सकते हैं, वहाँ पे देख लीजिए स्विच और सॉकेट भी आपको दिया गया है गिफ्ट आइटम रखने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए आपके ग्लास लगे हुए हैं, इसके ऊपर जो है आप अपना गिफ्ट आइटम या फ्लावर पॉट रख सकते हैं दोस्तों, जब ये घर जो है आपको और खूबसूरत दिखेगा। छत देख लीजिए दोस्तों, छत पर बहुत ही खूबसूरत POP की डिज़ाइन आपको दिख रही होगी। जैसा कि मैंने बताया, अभी इसमें जो है पेंट का वर्क जो है इसमें चल रहा है, जो भी इसमें कमी दिख रही दोस्तों वो कमी जो है आपको दूर करके दी जाएगी। फर्श पे देख लिए दोस्तों, मार्बल लगे हुए हैं इसके फर्श पे। इस तरफ जब हम आते हैं निकल के, ये आपको इसका किचन मिल जाता है, फुल मॉड्यूलर किचन है दोस्तों। अभी इसमें आपको चिमनी दिख नहीं रही होगी, चिमनी में कुछ खराबी हो गई थी, निकाल दी गई है, तो आपको दूसरी चिमनी और नई चिमनी लगा के दोस्तों ये मकान जो है आपको दिया जाएगा। इसके हम साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़ा साइज़ है दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, फुल मॉड्यूलर किचन है दोस्तों ये, काफ़ी स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है। स्पेस की हम बात करें, कम से कम मान के चलिए 2.5 फीट का जो है आपको इसके अंदर स्पेस मिला जा रहा है, काफ़ी स्पेसिफ है। पूरे में इसमें भी देख लीजिए मार्बल पूरे ही घर में लगे हुए हैं। अब हम जब किचन से बाहर निकलते हैं दोस्तों, तो इसके जस्ट
बगल में ये आपको मिल जाता है इसका ड्राइंग रूम। चाहे तो आप इसको अपना ड्राइंग रूम बनाइए और चाहे तो दोस्तों आप इसको अपना बेडरूम भी बना सकते हैं। इसमें इस तरफ ये एक दरवाज़ा दिया गया है, ये दरवाज़ा जो है आपका पोर्च की तरफ से खुल रहा है दोस्तों, पोर्च की तरफ से इसमें एंट्री दी गई है। अगर आपका गेस्ट यहाँ इधर से आप अपने गेस्ट को लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने आपका गेस्ट भी आ सकता है और चाहे तो आप दोस्तों इसको अपना बेडरूम भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी विंडो दिख जाती है, देख लीजिए दोस्तों, इस विंडो का साइज जो है काफ़ी बड़ा है। वेंटिलेशन इससे जो है आपको प्रॉपर मिलता रहेगा दोस्तों। छत पर देख लीजिए POP के खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिल रही होगी, LED लाइट भी ऊपर लगी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है PVC पैनल इसमें लगाया गया है पूरे ही घर में। जहाँ पे आपको सादी भी दीवार दिख रही होगी दोस्तों, वो सादी नहीं रहेगी, या तो वहाँ पे वॉलपेपर या तो PVC पैनल लगाया जाएगा। इस तरफ एक टॉयलेट, इसका दरवाज़ा आपको हॉल से भी दिया गया है। आइए हम उधर से आपको दिखाते हैं। जब हम इधर से निकलते हैं तो हम आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ पर आपको एक टॉयलेट दिया गया है। इसका दरवाज़ा उधर से, चाहे तो आप उधर से भी आ सकते हैं, चाहे तो आप इधर से भी आ सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको दोनों सीट दी गई है, इंडियन सीट भी है और कमोड वाली सीट भी, दोनों आपको इसके अंदर जो है मिल जाती हैं। साइज़ भी इसकी हम साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़ा दोस्तों इसके अंदर जो है इसका साइज़ आपको मिला जा रहा है। जब टॉयलेट से बाहर निकलते हैं दोस्तों, ये जो आपको मैंने बताया कि ये आपको ड्राइंग रूम है, चाहे तो आप इसको ड्राइंग रूम बनाइए, चाहे तो अपना बेडरूम बना सकते हैं। ये हॉल आपको मिल रहा है, चाहे तो आप यहाँ पर सोफ़ा डाल के दोस्तों यहीं पर अपने गेस्ट को आप बैठा सकते हैं। ये स्लाइडिंग वाला डोर मिल रहा है आपको और ये डोर देख लीजिए कितना खूबसूरत है, इसमें भी जो है डिज़ाइन बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो कि आजकल के मकानों में ये सब नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। ये आपने देख लिया। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। तो दोस्तों इधर आपको मिल जाता है इसका एक OTS, काफ़ी बड़ा साइज़ जो है आपको OTS का मिला जा रहा है। यहाँ पर एक वॉश बेसिन लगा है, ऊपर जो है वेंटिलेशन के लिए जाल दिया हुआ है। ये है दोस्तों इसका एक बेडरूम, ये है इसका एक बेडरूम, जिसके साइज़ की बात करें दोस्तों तो काफ़ी बड़ा साइज़ दिया हुआ है इसका। पूरे में मार्बल लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको PVC पैनल दोस्तों मिला जा रहा है। छत पे आप देख लीजिए दोस्तों, फॉर सीलिंग आपको मिल रही है, जो कि इसमें मैंने बताया कि वर्क अभी चल रहा है, इसमें पेंट अभी किया जाएगा दोस्तों। ये भी पेंट नहीं है, पेंट के बाद जब ये घर दोस्तों आपको खूबसूरत लगेगा देखने में। ये आपको OTS मिला जा रहा है दोस्तों, ये एक OTS है, इसमें जो अपना वॉशिंग का काम भी कर सकते हैं। और जब हम इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो हम आ जाते हैं दोस्तों इसके सेकेंड बेडरूम में। ये है इसका सेकेंड बेडरूम, ये सेकेंड बेडरूम, इसका साइज़ भी आपको काफ़ी बड़ा मिल रहा है। इसमें आपको जो है वार्डरोब दोस्तों मिला जा रहा है, जिसके हम स्पेस की बात करें तो एक बार आपको दिखा देते हैं। काफ़ी स्पेस इसके अंदर भी, मान के चलिए आपको दो से ढाई फिट का स्पेस मिला जा रहा है, काफ़ी बड़ा है दोस्तों ये भी। ये देखिए तो दोस्तों इसमें भी देख लीजिए वॉलपेपर का यूज़ किया गया है, इसमें वॉलपेपर का यूज़ किया गया, उसमें PVC पैनल का यूज़ किया गया था। यहाँ पर जो है इसमें PVC पैनल लगे हुए हैं, ये PVC पैनल यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये है इसकी OTS छत, देख लीजिए एक बार, छत पे आपको POP का वर्क दिखाई दे रहा होगा। और ये है उसका वॉशरूम। नीचे दोस्तों आपको जो है दो वॉशरूम दिए गए, एक वॉशरूम जो है आपको ऊपर दिया गया। ये है वॉशरूम, इसमें इंडियन सीट लगी है और इसमें भी जो है आपको एक ये मिल जाता है वॉश बेसिन, ये एक वॉश बेसिन इसमें लगा है। और वॉशरूम से अटैच जो है आपका ये OTS है, वॉशरूम से अटैच जो है आपको ये एक OTS मिल जाता है दोस्तों। अब हम इससे बाहर निकलते हैं। नीचे दोस्तों हमने आपको तीन रूम दिखाएं, जिसमें से चाहें तो आप एक रूम को जो है ड्राइंग रूम बना सकते हैं, नहीं तो तीनों का बेडरूम बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ये गिफ्ट रखने के लिए या कोई भी चीज़ सजाने के लिए ये डिज़ाइन आपको मिल जा रही है। ये देखिए इसमें ग्लास भी लगे हुए हैं, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर दोस्तों रख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। अब हम जब इधर से निकलते हैं तो हम चलते हैं ऊपर। वीडियो में दोस्तों आप हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहिएगा ताकि इस प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी जो है आपको मिल पाए। अभी हम आपको इस घर के रेट भी बताएंगे दोस्तों। ये हम जा रहे हैं इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और इस तरफ जब हम सीधे आएंगे तो ये आपको एक स्टोर मिला जा रहा है। ये आपको जो है एक छोटा सा स्टोर दिया गया है, कोई भी सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी बालकनी दी गई है, ये एक छोटी सी बालकनी, इससे हम बाहर निकलते हैं। तो इस तरफ दोस्तों जब हम आ जाते हैं तो ये हम आ गए हैं दोस्तों इसके ऊपर वाले हॉल में। ये है आपका फर्स्ट फ्लोर का हॉल, जैसे नीचे आपने देखा था। इसका साइज़ भी दोस्तों काफ़ी बड़ा है, जैसे नीचे आपने देखा था, काफ़ी बड़ा साइज़ आपको इसको इसका भी मिला जा रहा है। और इस साइड में आपको मिल जाता है एक बेडरूम, ये है इसका बेडरूम। इसमें जैसा कि मैंने बताया अभी जो है इसमें पेंटिंग का वर्क चल रहा है। ये दीवार जो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है आपको वॉलपेपर लगा के दिया जाएगा, इसमें लगेगा वॉलपेपर। छत आप देख लीजिए, छत पे जो है POP ऑलरेडी इसमें करी हुई है। फर्श पे 2x2 के
वाइट और ब्लैक कलर के शेडेड टाइल्स लगे हुए हैं। ये जब हम इस बेडरूम से निकलते हैं, इसके जस्ट बगल में आपको इसका एक और बेडरूम मिल जाता है। ये है दोस्तों इसका चौथा बेडरूम, ये है इसका चौथा बेडरूम, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज है। यहाँ पे आपको एक अलमारी मिल जाती है, चाहे तो दोस्तों आप इसको अपना, आप इसमें पल्ले लगवा के इसको वार्डरोब जैसा बनवा सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ये इस टाइम है। यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों वॉलपेपर, यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ है, उसमें भी लग जाएगा। छत देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत आपको छत दिखाई दे रही होगी। साइज़ की हम बात करें तो दोस्तों बहुत ही बड़ा साइज़ है, कम से कम इसकी जो लंबाई आ रही है ये कम से कम 20 फीट का तो इसकी लंबाई है, और 15 कम से कम मान के चलिए, 15 के ऊपर ऊपर इसकी चौड़ाई है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। ये जब हम दोनों बेडरूम से निकलते हैं, इस साइड में आपको मिल जाता है इसको OTS, ये OTS है, वो जो मैंने बेडरूम दिखाया उसकी खिड़की है दोस्तों, इससे वेंटिलेशन आपको मिलता रहेगा। इसके ऊपर जो है आपको जाल दिया गया। एक बार आप ये हॉल की छत दिखा दीजिए जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, LED लाइट भी इसमें लगी हुई है और साइज़ का काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जो है आपको एक टॉयलेट मिल जाता है जो कि इसमें ताला लगा है, जैसा आपने नीचे टॉयलेट देखा था सेम वैसा ही टॉयलेट, वही साइज़ का ये टॉयलेट है दोस्तों, ये आपने देख लिया। यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉश बेसिन, ये वॉश बेसिन है। ये हम आ जाते हैं ओपन टेरेस है दोस्तों ये, जो कि आगे की तरफ छोड़ा गया है, ये इसका टेरेस है जो कि आपको काफ़ी खूबसूरत दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप एक बार जो है पूरा एरिया देख लीजिए, ये वाला घर देखिए कितना बड़ा और बढ़िया घर बना हुआ है। पूरे एरिए में जैसे मैंने बताया सब स्टैंडर्ड लोग पढ़े लिखे हैं, VIP लोग रहते हैं, कोई अधिकारी है या कोई बड़े स्कूल में टीचर है। फ्रंट रोड आपको मिली जा रही है दोस्तों 22 फीट की, फरीदी नगर में दोस्तों ये मकान है, 1800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। कवर्ड एरिया की अगर हम बात करें तो 3000 स्क्वायर फीट आपको मिल जाता है इसका कवर्ड एरिया। फ्रंट दोस्तों आपका मिल रहा है इसका 40 और डेप्थ मिल रही है आपको इसकी 45। अब हम दोस्तों इस मकान के रेट की बात कर लेते हैं। इस मकान के जो रेट हैं दोस्तों वो हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए में आपको ये मकान मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप ये साइट विजिट करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, दिए नंबर पे कॉल करके जब चाहें यहाँ पे आप आके दोस्तों साइट विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।